ओके गाइस, हम सरवाइव कर गए। नाइस। तो भाई देखो ये डायमंड का, और यार जब हम यहाँ पे आ ही गए हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए एपिसोड में एमसी इटर्नल यानी कि माइनक्राफ्ट इटर्नल में। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, आई होप कि मस्त होंगे। तो गाइस चलो यार, आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एनर्जी को स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक सेल बनाया था। ये कहाँ गया? ये रहा, देख रहे हो आप, ये रहा। तो गाइस ऐसा ही मैंने एक और सेल बनाया है, और ये भाई किस तरीके से बनता है वो तो आप लोगों को वीडियो में पता ही होगा। तो गाइस ये मैंने बनाया था ऊपर 3x3 का। तो अभी मैंने गाइस बनाया यहाँ पे 13x13 का, मतलब 13x13 का मैंने यहाँ पर एक और पावर सेल बनाया। और गाइस इसके अंदर बहुत सारी पावर भाई जाने वाली है, देख रहे हो आप। इसमें 296 ट्रिलियन आरएफ, बिलियन भी नहीं गाइस, ट्रिलियन आरएफ इसमें जो है स्टोर होगी, और भाई ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो चलो भाई इसको स्टोर होने देते हैं। तो गाइस ये एक बनाया था, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, पूरा ही दिन निकल गया ऑलमोस्ट। तो गाइस अभी हम एक डायमेंशन बनाने वाले हैं, और उस डायमेंशन में जाएंगे और वहाँ पे कुछ माइनिंग करेंगे। और गाइस डायमेंशन कौन सा होने वाला वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो भाई देखो डायमेंशन जो होगा वो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा, और हम वो डायमेंशन क्यों बना रहे हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो भाई देखो इसमें एक क्विस्ट है चैलेंज में, तो भाई ये क्विस्ट मेरे को कंप्लीट करना है। 3 मिलियन जो कॉइन्स है वो आपको सबमिट कराने हैं। तो भाई देखो हम ऑलरेडी कॉइन्स का तो यहाँ पे बना चुके हैं, बट गाइस वो जो कॉइन्स है ना वो बहुत ही धीरे धीरे आते हैं, मतलब ये कॉइन्स इसके अंदर बहुत धीरे धीरे आते हैं और बहुत ही कम कॉइन्स हमें मिलते हैं। तो गाइस अभी हम एक ऐसा डायमेंशन बनाने वाले हैं जहाँ पर हम डायमंड फार्म करेंगे। तो गाइस हम डायमंड का जो है डायमेंशन बनाने वाले हैं, और उसको बनाने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, इसीलिए हमने इतना बड़ा एनर्जी का पावर सेल बनाया है। तो चलो यार ये भरेगा तो भरेगा, जब तक हमारे पास इतनी एनर्जी तो है कि हम डायमेंशन में जा पाएँ। इसके अंदर ये जो छोटे वाला एनर्जी सेल है हमारे पास, इसके अंदर इतनी एनर्जी तो है कि हम भाई उस वाले डायमेंशन में जा पाएँ, और भाई ना जा पाए तो भाई कुछ पता नहीं है। चलो लेकिन ट्राई करना तो हमारा यार कर्तव्य है ना, मतलब हमारा हमारा फ़र्ज बनता है कि हम यार कुछ ना कुछ नया तो ट्राई करें। तो चलो भाई जितनी एनर्जी है अब हम उसको यूज़ करने वाले हैं। तो दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि भाई आपको ये डायमेंशन इंस्क्राइबर चाहिए होगा एक, और इनके क्या काम है वो मैं आपको बताऊँगा। ये चाहिए चीज़ें चाहिए होंगी आपको, डायमेंशन इंस्क्राइबर, डायलिंग डिवाइस, मैटर ट्रांसमीटर, मैटर रिसीवर, डायमेंशन एडिटर, और ये डायमलेट वर्क बेंच, ठीक है। तो भाई ये चीज़ चाहिए होंगे आपको 6 तरह की, और ये किस तरीके से लगेंगी मैं आपको बता देता हूँ। मैं वैसे इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट मतलब वो मैंने क्या था वो क्रैक पैक 3, हाँ मैंने क्रैक पैक 3 में बनाया था ये, बट इसमें भी बना रहे हैं। तो भाई इसमें तो थोड़ा सा और एडवेंचर होने वाला, क्योंकि हमने उसमें जो है काफ़ी सारे डायमेंशन नहीं खोले थे, बस हम एक ही डायमेंशन में गए थे उसमें, बट इसमें हम बहुत सारे डायमेंशन खोलने वाले हैं। तो चलो भाई देखते हैं कि हम वो डायमेंशन बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे या फेल हो जाएंगे, चलो देखते हैं। ओके गाइस यार, तो सबसे पहले हम अपना डायमेंशन सेट कर लेते हैं। तो भाई पता चल गया आपको क्या क्या चाहिए, डायमलेट इंस्क्राइबर चाहिए, और ये डायलिंग डिवाइस चाहिए, मैटर ट्रांसमीटर चाहिए, मैटर रिसीवर चाहिए, डायमेंशन एडिटर चाहिए, और डायमलेट वर्कबेंच चाहिए, और ये एडवांस चार्ज पोर्टर भी आप ले सकते हो, ये टेलीपोर्ट करने के लिए होता है। और ये किस तरीके से काम करता है, ये दोनों आपस में लिंक होते हैं, तो इसको भी हम अभी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले भाई हम अपना डायमेंशन सेट कर लेते हैं, जो कि मैं यहाँ नीचे सेट करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे सारे ही डायमेंशन जो है यहाँ पे हैं, तो ये वाला भी मैं इधर ही सेट करूँगा। तो भाई सबसे पहले हमारा ये ट्रांसमीटर जो है ये नीचे की तरफ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद गाइज हमारा डायलिंग डिवाइस आएगा, ये रहा डायलिंग डिवाइस, और डायलिंग डिवाइस को हम यहाँ लगा सकते हैं। ओह ये क्या, व्हाट, सिल्वर फिश कहाँ से आ गई, चलो कोई नहीं, तो यहाँ लगा सकते हैं। और उसके बाद गाइज हमारा वर्क बेंच जिसको हम यहाँ लगा सकते हैं, और उसके बाद हमारा ये डायमेंशन इंस्क्राइबर इसको शायद हम यहाँ लगा सकते हैं, और उसके बाद रहता है हमारा डायमेंशन एडिटर, तो डायमेंशन एडिटर को हम यहाँ बीच में लगा देंगे। ओके, अरे यार ये सिल्वर फिशेस कहाँ से आ रही हैं भाई, चलो कोई ना,
तो इसको हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो गाइस अभी हमारा ये पूरा सेटअप हो चुका है। अब इन कुछ चीज़ों को, इनमें से जैसे कि ये हमारा वर्क बेंच हो गई, और ये हमारा डायमेंशन एडिटर हो गया, और ये इंस्क्राइबर को छोड़ के बाकी सब जितनी भी चीज़ें, इन सबको पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई मैं ऊपर से पावर लेके आने वाला हूँ नीचे की तरफ, तो चलो पावर का जुगाड़ कर देते हैं यार सबसे पहले तो फटाफट से। और पावर के लिए मैं एनर्जी कॉन्डुइट का यूज़ कर सकता हूँ, मुझे थोड़े से और चाहिए होंगे एनर्जी कॉन्डुइट, बना लेते हैं आई थिंक। चलो 52 हो गए, आई थिंक इतने काफ़ी हैं। और भाई मैं ये चाहूँ तो मैं वायरलेस भी यूज़ कर सकता हूँ, बट यार मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, और यार हमेशा मेरा हंगर बार जो ना बिल्कुल डाउन रहता है। तो चलो भाई अब यहाँ से एनर्जी ले लेते हैं ऐसे, और इसको तोड़ देते हैं यहाँ से थोड़े टाइम के लिए। तो गाइज हमारा जुगाड़ हो गया भाई एनर्जी का, और मुझे यहाँ से भी थोड़ा खोदना पड़ेगा क्योंकि इसको भी जो है एनर्जी देना होता है। ओके ठीक है भाई, नाइस, ओके ऑल राइट गाइज, और इसको भी एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। तो अब इनके अंदर आएगी भाई एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी आना शुरू भी हो गया, इसके अंदर भी एनर्जी आ गई है, और हमारा इसमें भी एनर्जी आ गई है, और हमारा इसमें भी एनर्जी आ गई है। तो भाई इन सभी में एनर्जी आ गई हमारा, ठीक है, ओके ऑल राइट बॉयस। तो एक बार ऊपर जाके कॉन्फ़िगर कर देता हूँ मैं इसको, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑलवेज एक्टिव, ठीक है, और वहाँ से इंसर्ट तो है ही। तो भाई एनर्जी तो हमारी आ गई है, ओके नाइस। अब बारी आती है हमारी इसकी, तो इसको भी एनर्जी की ज़रूरत चाहिए होगी यार मैटर रिसीवर को, और मैटर रिसीवर हम लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे, ओके इसको भी एनर्जी की ज़रूरत चाहिए होगी भाई। ओके गाइस तो डायलिंग डिवाइस भी हमारा लग गया भाई, सॉरी डायलिंग डिवाइस कह रहा मैं। तो गाइस हमारा मैटर रिसीवर भी लग गया है, और इसमें भी एनर्जी फुल हो गई है भाई, नाइस। तो भाई एनर्जी तो आ गई है इनके अंदर, अब हमें बनाना है। तो गाइस ये काम कैसे करता है, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ यार, क्योंकि बीच में फिर चीज़ें मैं भूल ही जाता हूँ बताना। तो भाई ये है, आपको एडवांस चार्जर पोर्टर बनाना पड़ता है गाइस, और इसको बनाना बहुत चीप है यार, मतलब ईजी है अभी के लिए, तो हमारे लिए बहुत चीप है इसको बनाना। तो मैंने अपग्रेड वर्जन बनाया है, और गाइस इसको एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब इसको पावर करना पड़ता है, जो कि हमने बैटरी में डाल के इसको चार्ज कर लिया। शिफ्ट राइट क्लिक करना है इसको, तो ये भाई हमारा चार्ज हो चुका है, मतलब इसको हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे होम स्वीट होम ऐसे कुछ नाम दे सकते हैं हम इसको। तो पब्लिश प्राइवेट कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं, वैसे तो मैं अकेला ही खेल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये हमारा हो चुका है, अब ये वर्क कैसे करता है देखो, मैं कहीं पर भी जाऊंगा, किसी भी वर्ल्ड में जाऊंगा, बस मुझे यहाँ से इसको राइट क्लिक करना है, और मैं यहाँ पे वापस पहुँच जाऊंगा, देख रहे हो, ये होता है इसका फ़ायदा। और ये फिर थोड़ी सी इसमें से एनर्जी भी यूज़ हो जाएगी, वैसे तो इसमें काफ़ी सारी एनर्जी है। तो भाई हमारा ये सब चीज़ें रेडी हो गई है, ठीक है। अब इस वर्क बेंच का क्या काम है गाइस, यहीं से ही हमारे डायमेंशन जो है क्रिएट होंगे, और गाइस इसमें डैमलेट्स डलते हैं जो कि हमें एंडरमैन से मिल जाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 4 डैमलेट्स बचे हुए हैं, बाकी मैंने डैमलेट्स निकाल लिए इसमें से, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे डैमलेट्स थे, तो मैंने इसमें से डैमलेट्स ऑलरेडी निकाल लिए, और वो 4 अभी अभी आए होंगे। तो डैमलेट्स ओके, मेरे पे यहाँ पे 66 डैमलेट्स हैं। तो ये कैसे काम करते हैं डैमलेट्स, तो गाइस आपको डैमलेट्स मिलते हैं एंडरमैन से, वैसे भी मिल जाते हैं आपको किसी और ज़ॉम्बीज से भी मिल सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे ज़्यादातर एंडरमैन से मिलते हैं। तो भाई इसको हम शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर से कुछ सामान निकलता है, जैसे कि ये वाला, तो ये हमें डालना पड़ता है इस वर्क बेंच में ऐसे करके, ठीक है। और मैं सारे ही खोल लेता हूँ, किसी किसी में 2 होते हैं, किसी किसी में 1 होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे 2 एक तरह के, 3 एक तरह के निकल गए हैं। तो ये मैं सब खोल लेता हूँ जितने भी हैं मेरे पास, काफ़ी सारे मिल गए हैं मुझे, और इन्हीं से ही डायमेंशन क्रिएट होते हैं गाइस, मतलब हम अपना कस्टम डायमेंशन बना सकते हैं अपने हिसाब से, किसी भी चीज़ का हो सकता है वो डायमेंशन। और मुझे कुछ ऐसा भी बनाना पड़ेगा इन फ्यूचर,
कि भाई ये जो हमारी इतनी बड़ी बैटरी है ये भी फटाफट से फिल हो जाए, क्योंकि इसमें तो बहुत ही धीरे धीरे फिल हो रहा है एनर्जी। तो गाइस ये सब स्टार्ट हो गई है, डायमेंशन अभी क्रिएट नहीं हुआ है, और अभी हमें एक चीज़ और बनानी पड़ेगी, यानी कि ये एम्प्टी डायमेंशन टैब। तो एक एम्प्टी डायमेंशन टैब बना लेते हैं। तो ये रहा, ये बना लेते हैं एक। इसको बनाना बहुत ईजी है, बट हमारे पास पेपर नहीं है यार। वॉट, पेपर की कमी कैसे हो गई इतनी ईजी सी चीज़। तो भाई एक तो ये बनाना था एम्प्टी डायमेंशन टैब, और गाइस हम अपने डायमेंशन को फ्लैट बनाना चाहते तो उसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा, और ये हमारा बन जाएगा भाई, पेपर से भी बन जाएगा, और ये क्या है डायमलेट टेम्पलेट, इससे भी बन सकता है। तो बना लेते हैं एक, हमारा सिंपल ही जब बन रहा है तो क्या दिक्कत भाई। सो गाइस हमारा डायमेंशन डिवाइस जो पूरा रेडी हो गया है, अब हमें डायमेंशन जिसमें जाना है वो डायमेंशन को हम सर्च करेंगे। जैसे कि हमें जाना है ब्लॉक ऑफ, नहीं हम डायमंड, ओके तो हमें डायमंड ओर, और ये क्या था डायमंड ओर, ओके ब्लॉक ऑफ डायमंड। तो भाई इसमें जाना है हमें ब्लॉक ऑफ डायमंड, तो इसमें जाने के लिए भाई हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें देखिए ये चाहिए होगा एक तो फर्स्ट, तो ये रख देते हैं, और ये कौन से वाला है भाई, बस हमें मैचिंग करके रखना है जौन सा जैसे जैसे मैच हो रहा है। 5 लिखा है उस पर, ये रहा। अब लास्ट चीज़ बची है गाइस, ये केसी जिसको बोलते हैं हम मटेरियल अब्जॉर्बर। तो भाई ये मटेरियल अब्जॉर्बर भी चाहिए होगा हमें, तो मटेरियल अब्जॉर्बर को मैं बना सकता हूँ क्या, ओके तो एक मटेरियल अब्जॉर्बर भी बन गया। और गाइज इसके अंदर हमें मटेरियल डालना पड़ता है, ये खाली होता है, जैसे कि मैं इस पर शिफ्ट क्लिक करके दिखाऊंगा आपको। प्लेस दिस ब्लॉक टॉप ऑफ अनदर ब्लॉक्स एंड इट विल ग्रेजुएटली एब्जॉर्ब ऑल एडेंटली ब्लॉक इन द एरिया। तो भाई इसको हमें यूज़ करना होगा, मतलब इसको हमें फिल करना होगा, जिसके लिए हमें डायमंड के ब्लॉक चाहिए, और आई डोंट नो कितने ब्लॉक्स लगते हैं इसमें। सेवेंटी हो गया ये, अगर मैं इसके नीचे ऐसे रखूं 78, 83, 88, 89, 94 और ये 90, 100। ओके गाइस तो भाई ये 100 हो गया है ऑलमोस्ट हमारे, कितने ओ 2 स्टैक लग गए हमारे ऑलमोस्ट। तो भाई इसको इस तरीके से फिल करके, और आपको इस वर्क बेंच में यहाँ पे रखना होगा, और आपको मिल जाएगा मटेरियल डायमंड ब्लॉक ऑफ डायमेंशन। को एक चीज़ और बनानी पड़ेगी, जैसे हमने टेरेन डायमलेट बनाया था जिससे कि हमारा जितना भी एरिया है वो बिल्कुल फ्लैट होगा, ठीक है। और उसके अलावा शायद ये मैंने गलत बना लिया, ओ ये मैंने गलत बना दिया, हमें ये वाला बनाना था, ये फ्लैट बनाना था, हमने वॉइड बना दिया। ओके ये फ्लैट वाला बनाना था हमें, तो भाई फ्लैट वाले के लिए पहले ये बनाना पड़ेगा डायमलेट टेम्पलेट। तो गाइस मैंने एक गड़बड़ कर दी है, मैंने ये वाला बना दिया वॉइड वाला, तो वॉइड वाला नहीं बनाना था हमें, बनाना है ये फ्लैट वाला जिसके पीछे फ्लैट लिखा हुआ है, क्योंकि हमें फ्लैट डायमेंशन चाहिए। तो भाई पहले ये डायमलेट टेम्पलेट चाहिए होंगे जिसके लिए शार्ड लगते हैं। तो भाई ये शार्ड आपको मिल जाएंगे एंड सिटी से, तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं 1, 2, 3, और अभी ये बन जाएगा आई थिंक, ओके फ्लैट। और उसके अलावा गाइज हमें ये फ्यूचर डायमलेट भी चाहिए जो कि नन होगा, तो ये क्या पेपर, पेपर की कमी इतनी क्यों रह जाती है भाई। तो बन गया भाई, तो हमारे पास तीनों ही चीज़ें आ गए जिससे हमारा डायमेंशन क्रिएट होगा। तो भाई अब हमें जाना पड़ेगा इसमें जिसका नाम है इंस्क्राइबर, तो इंस्क्राइबर में ये तीनों ही चीज़ें हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वॉन, क्या चीज़ की कमी है भाई, मटेरियल डायमंड ब्लॉक, ओके इस तरीके से रखना था डायमलेट और नन, अगर मैं इसको रखूँ इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो इसको बीच में रखना है, पहले ये मटेरियल डायमलेट आएगा, फिर उसके बाद फ्यूचर डायमलेट नन आएगा। शायद ये हम अगर ऐसे रखें तो नहीं आएगा भाई, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद गाइज हम इसके अंदर रखेंगे ये एम्प्टी टैब, और इसको स्टोर कर देंगे तो हमारा डायमलेट बन जाएगा। रिलाइज डायमलेट डायमेंशन टैब जिसमें होगा प्रोग्रेस, ओ भाई इसको बहुत सारा वो चाहिए, क्रिएशन कॉस्ट 40,000, कितना है ये
401 RF पार्टिक भाई, इसको तो बहुत ही मुश्किल है यार चार्ज करना। तो गाइस हमें एक लीवर चाहिए होगा, एक लीवर ले लेते हैं और इस लीवर को लगा देते हैं यहाँ पे, आई थिंक यहाँ लगा देते हैं। ओके ठीक है, तो भैया लीवर मैंने किस लिए लगाया ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं इसके अंदर ये रख देता हूँ, इसको चार्ज करना पड़ता है। और ये इसमें जा क्यों नहीं रहा भाई, यार ये इसमें जा क्यों नहीं रहा, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। डायमेंशन एडिटर, ओके गाइस, तो यार हमें यहाँ पे डायमेंशन एडिटर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डायमेंशन बिल्डर चाहिए भाई। अरे यार डायमेंशन बिल्डर, ये रहा डायमेंशन बिल्डर, हमें ये चाहिए था यार, और मैंने क्या बना दिया, डायमेंशन एडिटर बना दिया मैंने। चलो कोई नहीं, गड़बड़ हो जाती है, तो चलो भाई अभी काम हो जाएगा। एंड ये लो, इसके अंदर पावर आ गई, चलो इसमें पावर भरनी शुरू हो गई है। अब भाई ये वाला उठा के हमें यहाँ रखना है और ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है। बट इसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए चार्ज होने के लिए भाई, और इन सब में है पावर, इसमें भी है, इसमें अभी पावर चाहिए होगी क्योंकि ये चार्ज हो रहा है, और इसको चार्ज होने में टाइम लेट प्रोग्रेस भाई, इसको चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है गाइस। देखिए अभी तक सिर्फ 1% हुआ है, और जब ये पूरा चार्ज होगा उसके बाद ही हम जो है जा पाएंगे अपने डायमेंशन में। तो चलो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये गाइस ये मैंने लगाया है, ये चार्जिंग रोक देगा इसकी, ठीक है। मतलब जब हम डायमेंशन में जाएंगे तो ये इसको रोक देगा और हमारी एनर्जी नहीं जाएगी, क्योंकि हम किसी भी डायमेंशन में जाते हैं अगर हम वहाँ पे चले गए तो भाई, और वहाँ पे एनर्जी ख़त्म हो गई और यहाँ की एनर्जी भी सारी चली गई, मतलब यहाँ की सारी एनर्जी सोख लेगा ये वाला डायमेंशन जो है। तो बेसिकली ये लीवर हमने इसीलिए लगाया है, तो चलो इस लीवर को लगे रहने देते हैं। जब तक गाइज ये चार्ज हो रहा है, जब तक हम एक चीज़ और बना लेते हैं जिसको बोलते हैं फेस फील्ड जनरेटर, और इसको हम इसलिए बनाएंगे गाइज क्योंकि इन केस वहाँ पे एनर्जी ख़त्म हो गई हमारे इस डायमेंशन की तो हम वहाँ पे मर सकते हैं। तो उसके लिए भाई हम ये फेस फील्ड जनरेटर लगा लेते हैं जो हमें वहाँ से आने में थोड़ी सी हेल्प कर देगा, मतलब इतना सर्वाइव करने का टाइम दे देगा हमें कि वहाँ से फटाफट से भाग के आ जाएं, ठीक है। तो इसको हम चार्ज कर लेते हैं, इसको चार्ज कर सकते हैं हम बैटरी से भी, ओके चलो फटाफट से हो जाएगा ये चार्ज। तो गाइस ये पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है भाई, हाँ ओके पूरा चार्ज हो गया है, तो इसको हम रख लेते हैं अपने पास, काम आएगा ये हमारे जाने के लिए उस डायमेंशन में। और ये कितना 6% चार्ज हुआ है अभी, तो भाई इसको पूरा होने देते हैं। 2000 years later ओके गाइस, तो भाई अभी हमारा जो ये डायमेंशन है वो फुल हो चुका है, फुल एनर्जी आ चुकी है इसमें 100%। चलो गाइस, तो भाई अभी हम जो है अपनी एनर्जी हमारे सब में फुल हो गई है, और हमारा ये भी पूरा चार्ज हो चुका है 100%, और हमारा एनर्जी भी इसमें जा रही है भाई, ठीक है। मतलब जितनी भी जा रही है भाई, बाकी पता नहीं, इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये फुल हो जा रहा है लेकिन ये ऑफ हो जा रहा है, तो शायद हम मर भी सकते हैं जाते के साथ अंदर। तो यार मैं एक चेस्ट ले लेता हूँ, और इस चेस्ट में मैं अपना सारा सामान रख के जाऊँगा इधर, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता मैं वहाँ पे जाके मर जाऊँ। तो भाई डायमेंशन क्रिएट करते हैं डायमंड वाला, और ये रहा वो डायमेंशन, तो डायल करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो डायल कर दिया, डायमेंशन रेडी हो चुका है भाई, और फुल एनर्जी जा रही है भाई इसके अंदर। और अभी हम जाते हैं इसके अंदर और देखेंगे भाई हम मरते हैं क्या बचते हैं। वैसे तो मुझे पता है मैं मर जाऊंगा अंदर जाते, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी एनर्जी नहीं होगी, बट लेट्स सी यार, देखते हैं चल के अंदर। मरा। ओके गाइस हम सर्वाइव कर गए, नाइस। तो भाई देखो ये डायमंड का, और यार जब हम यहाँ पे आ ही गए हैं और मैं चल नहीं पा रहा यहाँ पे, अच्छा चलूँगा कैसे यार, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ यहाँ पे, और ये क्यों मार रहा है मेरे को इतना ज़्यादा, निकलता हूँ मैं यहाँ से। ओ माय गॉड, मैं इतना ज़्यादा स्लो कैसे हो गया भाई उस डायमेंशन में, आई डोंट नो, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है वो डायमेंशन। ओके गाइस, तो मैं वापस आ गया भाई, तो मुझे नाइट विजन ले जाना पड़ेगा भाई वहाँ पे, नाइट विजन के बगैर वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। वैसे मैं सर्वाइव कर गया हूँ वहाँ पे, बट मैं बहुत स्लो था यार वहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई। तो गाइस एक बार और हम चल के देखने वाले उस डायमेंशन में, क्योंकि यार इस डायमेंशन को क्रिएट करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी सच बताऊँ तो, सीरियसली गाइस।
और एक बार और चलते हैं, लेट्स सी। चलो गाइस अबे हट। चलो तो गाइस देखे हम इस डायमेंशन में आ गए, और इस डायमेंशन में चारों तरफ भाई देख रहे हो ना क्या है ये। और मैं यहाँ पे ऐसे तरीके से भी माइन कर सकता हूँ। अरे अच्छा माइनिंग वाले दूसरे हैं, ये रे माइनिंग डायमंड। चलो ये वाले फेंकते हैं, सॉरी ये वाले। ये देखो गाइस हम माइनिंग भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ से जितने मर्जी ब्लॉक चाहूँ तो लेके जा सकता हूँ। होली शिट गाइस बहुत ही कम एनर्जी है, इसी वजह से मैं यहाँ पे बहुत स्लो हूँ। तो भाई बहुत कम एनर्जी है, और मैं अपनी एनर्जी भी वैसे यूज़ करके जा सकता हूँ यहाँ से वापस, क्योंकि मैं लेके आया हूँ अपने साथ एनर्जी का। वैसे मैं यहाँ पे क्वेरी लगा दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कितने सारे ब्लॉक हो गए, मैं चाहूँ तो और भी ब्लॉक ले सकता हूँ ऐसे करके। ओके ये बीच बीच में जो एनर्जी का गड़बड़ हो रहा है ना, ये उस वजह से हो रहा है, मतलब एनर्जी कम पड़ रही है बीच बीच में बहुत ज़्यादा। ओके चलो यार निकलते हैं, आप घर की तरफ निकलते हैं, कभी मैं घर पे ही ना पहुंच पाऊँ। या फिर यार मेरे पास शॉर्टकट तरीका तो है, क्यों ना मैं थोड़े से ये ब्लॉक ले जाऊँ यहाँ से। ओके गिव मी दैट ब्लॉक। भाई कितने सारे डायमंड के ब्लॉक्स है गाइस, मैं करोड़पति हो गया भाई। करोड़पति से भी ऊपर, मिलियनेयर। चलो भाई घर चलते हैं, लेट्स गो। सो यार गाइस हमने डायमेंशन तो क्रिएट कर दिया, बट अभी क्या होगा कि हम पैसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम ये वाला जो टास्क है ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये वाला टास्क हम इसलिए नहीं कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि गाइस आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं, ये देखो आओ 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 आओ। हाँ पहले मैं ये डाल देता हूँ भाई, एक मिनट कहाँ गए मेरे चाम। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं आइटम कॉन्डुइट, अब मैंने गाइस बहुत सारे कॉन्डुइट से यूज़ करके देखा ये कि मैं ये जो स्क्रीन है ना ये एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई, देख रहे हो। मतलब मैंने हर तरह के कॉन्डुइट से, हर तरह के आइटम ट्रांसफ़र नोड से, जितने भी इसमें दिए गए ना मैंने सारे के सारे यूज़ कर लिए गाइस, और वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो भाई इसका मतलब जो क्रिएटर है ना उसने ये बंद कर दिया है, तो इसका मतलब हम कॉइन्स नहीं बना पाएंगे। तो गाइस देखो हमारा मेन चीज़ था इस एपिसोड का कि हम डायमेंशन ऑन करें, तो डायमेंशन हमने ऑन करा कस्टम डायमेंशन जो कि था डायमंड का भाई, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बढ़िया डायमेंशन था। और गाइस आई थिंक यार इस सीरीज़ में हमारे पास काफ़ी सब कुछ हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट हमने सब चीज़ें कर ली है। टास्क यार कंप्लीट करने बेकार की चीज़ है, वो छोटे मोटे टास्क फूड वूड वाले वो हमें नहीं करने चाहिए। और इस सीरीज़ में बॉस भी नहीं है, तो बॉस भी अब हम नहीं मार पाएंगे क्योंकि यार और कुछ ज़्यादा है नहीं इस सीरीज़ में बड़ा। क्राफ्टिंग हमने बहुत सारी कर ली, अब जो बाकी की चीज़ें बचती है ना इसके अंदर गाइज वो बहुत ही टेक्निकली हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि बना सकते हो आप लोग टेक्निकली। मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को टेक्निकली चीज़ें, जैसे कि मशीनें वगैरह बनती है जिसमें कि जो कि बहुत बोरिंग होता है गाइस, मशीनें वगैरह बनाना शुरू से ही बहुत बोरिंग होता है और वो हम करेंगे भी नहीं। तो हमें एडवेंचर पसंद है और हमारी ऑडियंस को भी एडवेंचर पसंद है, तो भाई हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला सीरीज़ हमारा एंड होगा एक और लास्ट एपिसोड में, जिस एपिसोड में गाइस मैं आप लोगों को अपना ये होम टूर दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो कि होगा होम टूर। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और आप लोगों को वो RF टूल का जो डायमेंशन क्रिएटर है वो आपको यूज़ करना आ गया होगा। और भाई अगर आप कोई सा भी मोड खेलते हो और आपके मोड में RF टूल हो, यानी कि ये वाला RF टूल हो डायमेंशन वाला, और तो भाई आप ये डायमेंशन बनाइए, बहुत ईजी है इस डायमेंशन को बनाना। बस आपको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी जो कि ज़्यादा एनर्जी होगी, और उस एनर्जी से भाई आप अपने कष्ट अपने हिसाब से डायमेंशन क्रिएट कीजिए। आपको किसी भी चीज़ की फार्मिंग करनी हो जो कि डायमंड हो, रेडस्टोन हो, आयरन हो, किसी भी चीज़ की फार्मिंग करनी हो तो भाई आप इस तरीके से फार्मिंग कर सकते हो, बहुत इजी पीजी है भाई, बहुत इजी पीजी, बहुत मज़ेदार है भाई। तो यार आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे जो कि होगा भाई हमारा होम टूर, और हमारे घर में क्या क्या है, क्या क्या हमारी जर्नी रही है वो सब देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ होगी वो एक एडवेंचर सीरीज़ होगी, और यार सब लोग बोल रहे हैं मुझे क्रेजी क्राफ्ट खेलो यार, वो बहुत ही क्रेजी क्राफ्ट जो है ना बहुत छोटी है, मतलब 3 या 4 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी वो, तो यार ऐसे मोड को खेल के क्या फ़ायदा।
जो 3-4 एपिसोड में ख़त्म हो जाए। तो भाई हम ऐसी सीरीज़ करेंगे जो कि कम से कम 30 days से 35 days चले, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए और हमें लोग हमको भी मज़ा आए खेलने में, और बहुत सारा उसमें एडवेंचर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। और यार गाइज, लाइक करके जाया करो यार, और कमेंट किया करो, मैं आप लोगों के सबके कमेंट पढ़ता हूँ। सो चाओ चाओ।